So, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्रैकेट के सारे प्रॉपर्टीज़ देखे थे अगर आप समझ लेते हो तो आपका 80 परसेंट काम हो जाता है पहली चीज तो ये एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ आप न्यू टाइप ऑफ सिमेट्री भी देखना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर कि भाई ये क्या है क्या ये कंजर्व है या नहीं कंजर्व है और अगर कंजर्व है तो क्यों है इन जनरल एक मिथ होता है कि जो टाइम का फंक्शन होगा उसका टोटल डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा है ना सॉरी जो टाइम का फंक्शन होगा टोटल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा है ना इट्स विल डिपेंड ऑल अबाउट योर सिस्टम कि किस सिस्टम के लिए आप बात कर रहे हो और उसको आप किस तरह से देख रहे हो ठीक है फॉर सम बेसिक प्रॉब्लम जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि पॉइजो ब्रैकेट किस तरह से हेल्प करता है हमारे इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट को समझने में और टाइम एवोल्यूशन को समझने में ठीक है सो ऑब्वियसली वी हैव हेमल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम एंड वॉट इज दिस हेमिल्टोनियन दिस हेमल्टोनियन इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जर्नलाइज मोमेंटम एंड ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज आवर हेमल्टोनियन और ये हेमल्टोनियन ऑब्वियसली किसी न किसी सिस्टम का होगा मे बी पार्टिकल इन बॉक्स मे बी योर सिंपल पेंडुलम ये सब जनरल सिस्टम है ठीक है सो एंड वी हैव सम फिजिकल क्वांटिटी लेट से एफ इज माई समिजिकल क्वांटिटी एफ कोई भी फिजिकल क्वान्टिटी है और वो फंक्शन है ऑब्वियसली जर्लाइज कोट इज मोमेंटम एंड टाइम बिकॉज की बात आप जब भी कर रहे होनेट एंड जर्नलाइज मोमेंटम वहां अगर वेलोसिटी है भी तो मैथमेटिकली आप उसे चेंज कर सकते हो वेलोसिटी को जर्नलाइज मोमेंटम के साथ कैसे चेंज कर सकते हो अगर लेगरेंजन है तो लेगरेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हेमल्टोनियन है, तो, है, है तो अगर है तो, तो होगा नहीं अगर बाई द वे किसी ने दे भी दिया है तो आप चेंज कर सकते हो सो दिस इज दिंग एंड नाउ द होल आइडिया इज दैट वी जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ दिस इज इवॉल अगर आप ये बात कर रहे हो कि एफ इज इवॉल्विंग विदाइम दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ एफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था that value is f h plus del f upon del t ye hum logon ne dekha tha obviously this f is nothing but a function of generalized coordinate generalized momentum and time agreed so ye puri ki puri kahani hame discuss karni hai aur dekhni hai aur ये analyze करना है कि इसका हम किस तरह से use कर सकते हैं ठीक है And obviously If your df upon dt, the total derivative df upon dt is equal to 0, then only you can say del f upon del, sorry, then only you can say f is nothing but the constant of motion. So, you can say that f is the constant of motion. Now, let's try to, and suppose, एफ इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम ये तो बात हम कर रहे हैं कि पूरे के पूरे एक साथ देख रहे हैं अगर सपोज एफ फ़ंक्शन ऑफ टाइम नहीं है देन इफ़ एफ इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम देन वॉट विल हैपन

सिर्फ ये अगर हम पता कर ले अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है अगर हम किसी तरह ये पता कर लें दैट व्हाट विल बी वॉटेशन बिटवीन एफ एंड एच एच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना अगर आपको किसी भी सिस्टम के पता है और F और एफ एच का कॉम्बिटेशन आप देख पा रहे हो देन ऑब्वियसली यू कैन टेल वेदर दैट थिंग इज कंजर्व और नॉट ये हम बहुत ही आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये कंजर्व है या नहीं है ठीक है ओके okay. लेट्स गो फॉर सम प्रॉब्लम और इसे हम प्रॉब्लम के थ्रू ही एनालाइज कर पाएंगे और देख पाएंगे कि हम क्या क्या समझ सकते हैं ठीक है सो लेट्स गो फॉर सम बेसिक प्रॉब्लम अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट ऑफ हाँ तो कंजर्व ही है दैट मीन्स इट इज कंजर्व हाँ हाँ तो भी कंजर्व है तभी तो तब तो डीएफ अपॉन डी टी जीरो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी देखेंगे प्रॉब्लम करेंगे तो आप तो एक तो प्रॉब्लम करेंगे और उसको आप बहुत इजीली समझ पाओगे ठीक है पहले एक सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं सपोज लेग्रेंजियन ऑफ अ बेसिकली सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है ना हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा सपोज दिस इज योर लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम Okay? So, first question is very trivial. Find the Hamiltonian of a system. Second, just calculate dh upon dt. What will happen to dh upon dt? Okay? And third is very interesting. What will be happen to DL upon?

Theta dot minus half m l square theta dot square minus mgl cos theta. Agreed? Minus mgl cos theta. And what we have? We can go for del l upon del theta dot is equal to p theta. And so from here, ml square theta dot.

देखते हैं टोटल डेरिवेटिव हेमिल्टोनियन क्या होता है। सो ओब्वियसली, व्हाट विल हैपन टू टोटल डेरिवेटिव ऑफ हेमिल्टोनियन ओब्वियसली, वी कैन यूज़ डीएच अपॉन डीटी, वी कैन यूज़ डीएच अपॉन डीटी इज़ इक्वल टू, वी कैन राइट ह डॉमा ह प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा। य And what will happen to h comma h? 0. So that value is 0. Agreed? And then we have del h upon del t. So del h upon del t is itself 0 because Hamiltonian is not explicit function of time. So what you can see? You can see dh upon dt is equal to 0. Right? न आइडेंटिफाई दिस एच इज नथिंग सम कॉन्स्टेंट है ना ये दूसरी बात है कि फिर आप इसे देखकर कहोगे कि ये कॉन्स्टेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है मैथमेटिकली तो आप यहां कह ही सकते हो कि एच इज कॉन्स्टेंट दैट्स इट द गेम इज ओवर इसके बाद आपको एनालाइज करना है उसका डायमेंशन चेक करना है क्या है नहीं है आप एनालाइज कर रहे हो दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम यू आर जस्ट एडिंग इट एंड यू कैन आइडेंटिफाई दिस कंजर्व क्वांटिटी दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और ये हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से भी देखा था ठीक है नाउ

So, so, if we are talking about DL upon DT, then what do we have to do? इट एल एच प्लस डेल एल अपॉन डेल्टी लिख सकते हैं डीएल अपॉन डिली इज इक्वल टू एल एच प्लस डेल एल अपॉन एंड नाउ यू कैन सी अगेन डेल एल अपॉन डेलिटी इज इक्वल टू जीरो नहीं है सो डेल एल अपॉन डेलिटी

कि आपको लेग्रेंजियन को या किसी भी फंक्शन को पहले जर्नलाइज मोमेंटम और जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना है तभी हम पॉइजो ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं सो ऑब्वियसली मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस थिंग एज अ फंक्शन ऑफ जर्नलाइज मोमेंटम अगेन कहां से लिख सकते हैं वी हैव डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा एंड वॉट वी हैव एम एल स्क्वायर थीटा डॉट Is equal to P theta. So theta dot is equal to P theta upon ml square. okay Now we can put this particular value here. So what is my Lagrangian? My Lagrangian is half ml square and this will be p theta upon ml square whole square. So what will happen? That value is half p theta square upon ml square. Or it is.

डेल एच अपॉन डेल पी थीटा माइनस डेल एल अपॉन डेल पी थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा प्लस जीरो दिस इज डेल एल अपॉन डेल्टी दट इज जीरो नाव जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होगा वट इज डेल एल अपॉन डेल थीटा माइनस एमजीएल साइन थीटा दैट इज माइनस एम जी एल

बिना कैलकुलेट किए हुए और कुछ ने तो जबरदस्ती इसको माइनस से प्लस किया उनके दिमाग में यह था कि शायद मेरा कुछ गलती हो रहा है ये तो जीरो ही होना चाहिए so सो हो देन वॉट विल बी माइनस टू जी अपॉन एल साइंथीटा थीटा दिस इज योर डी एल अपॉन डी टी विच इज नॉट इक्वल टू नाउ द सेम सिस्टम सेम सिस्टम के लिए आपका टी प्लस वी कॉन्स्टेंट है लेकिन उसी सिस्टम के लिए आपका टी माइनस वी कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन इज नॉट कंजर्व क्वांटिटी आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो ये तो दोनों ही फंक्शन आप हैमिल्टोनियन को भी देखो सो डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो दोनों ही पार्ट से ली टाइम के साथ क्या है जीरो है लेकिन आप हैमिल्टोनियन जो है या टी प्लस बी जो सिस्टम का है वो क्या है कंजर्व है लेकिन लेग्रेंजियन जो है वो आपका कंजर्व नहीं है सो इट इज नथिंग टू डू विद द टाइम एक्सप्लिसिट और नॉट एक्सप्लिसिट थिंग अबाउट द टोटल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव ही डिसाइड करेगा कि वो कंजर्व है या नहीं है यहां पर लेग्रेंजियन एक्चुअली हेमिल्टोनियन के साथ कम्यूट ही नहीं कर रहा है इफ दिस लेगरेंजियन इज नॉट कम्यूटिंग विथ हेमिल्टोनियन देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन ले रही है वट इज एनर्जी टी प्लस वी आप उसके अंदर की चीजों में क्यों नहीं जा रहा एनर्जी इज नथिंग बट टी प्लस वी अगर लेगनेंजन कंजर्व है that means T -V हो सकता है किसी सिस्टम का टी माइनस वी भी कंजर्व हो जाए फॉर एग्जाम्पल फ्री पार्टिकल के लिए लेग्रेंजियन हेमिल्टोनियन दोनों ही सेम है सो so, वैसे किस में कंजर्व हो सकते हैं है या नहीं या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए भी देखो तो वहां भी हो सकता है कंजर्व अगर आप आप चेक करके देखोगे क्या हो रहा है हेमिल्टोनियन के साथ क्या वो कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कम्यूट कर रहे हैं नहीं नहीं आप इस से कुछ भी करने एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है अगर आपको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है देन अगेन गो टू सेम मेथड ओके आप इस तरह से कैलकुलेशन करके नहीं बात कर सकते हो कंजर्वेशन के बारे में ठीक है ओके okay? आपको क्या करना है इफ यू वांट टू सी वेदर योर पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व और नॉट वेदर योर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व वेदर एनी फंक्शन इज कंजर्व और नॉट आपको फिर से वहां पर बात करनी है और उसकी रिलेशनशिप हैमिल्टोनियन के साथ देखनी है यहां तो हैमिल्टोनियन और लेग्रेंजियन की रिलेशनशिप आ गई ना आपको उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात देखनी है यहां पर आप चेक आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि आपकी मोमेंटम कंजर्व है या नहीं आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है आप इजली चेक कर सकते हो लेटस चेक चेक करो वेदर की इस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं जस्ट गिव मी आंसर दैट फॉर दिस सिंपल पेंडुलम चेक वेदर रेगुलर मोमेंटम इज कंजर्व और नॉट सुनाओ अगर आपने मोमेंटम को या पी थीटा को चेक कर रहा हो, कर रहे हो कि वो कंजर्व है या नहीं सो so आपको क्या करना होगा अगेन गो फिथ द सेम प्रिंसिपल है ना एंड वी कैन जस्ट इजली सी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू सो यू कैन जस्ट गो फॉर डी पी थीटा अपॉन डी टी दिल बी पी थीटा

टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है तो सिंपल पंडलम में ऑलवेज एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की कोई बात ही नहीं है एग्रेट नाउ यहां हमने जो कंक्लूड किया है चीजों को वो समझने की कोशिश करो कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन ये है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी यू कैन चेक वेदर इट इज कंजर्व और नॉट कंजर्व नथिंग टू डू विद द एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम और नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूं और आप यहां पर देखोगे कि भाई ये तो बड़ा अजीबी हो गया ठीक है दिस फंक्शन इज एक्सप्लिसिट यहां पर लग रही है एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं था है ना अभी हम देख रहे हैं कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम है और फिर उसे देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में वो कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है देखो एक्चुअली सारी की सारी कहानी जो हम आगे समझना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अब धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी कहानी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज वो हैमिल्टोनियन के साथ कैसा बिहेव करती है सो हैमिल्टोनियन इज सो इंपॉर्टेंट अगर आप हैमिल्टोनियन निकाल पा रहे हो और उस फिजिकल क्वांटिटी का कम्यूटेशन देख रहे हो हेमल्टोनियन के साथ तो ही आप बता सकते हो कि वो कैसा बिहेव कर रहा है ठीक है सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम और इसे करने की कोशिश करता है। सो व्हाट वी हैव फॉर अ फ्री पार्टिकल सपोज हम फ्री पार्टिकल को देखते हैं

ज कॉन्स्टेंट और नॉट फॉर द फ्री पार्टिकल सिम क्या है आपका फ्री पार्टिकल सिम क्या है जरूरी नहीं है जो फ्री पार्टिकल में वो हारमोनिकटर में भी होगा बिल्कुल डिफरेंट चलेगी और फ्री पार्टिकल की कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट चलेगी ठीक है so ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है कि जो फ्री पार्टिकल के लिए हो वो हार्मोनिकसोलेटर के लिए हो सिंपल पेंडलम के लिए हो सो ना वट वी हैव टू डू वी है डी एफ अपॉन डी टी वॉट इज कंडीशन ऑफ डी एफ अपॉन डी टी सो क्या होगा दिस इज बेसिकली एफ एच प्लस डेल एफ अपॉन डेल्टी और यहां पर डेल एफ अपॉन डेल्टी जीरो नहीं है सो वॉट यू विल डू यू विल जस्ट गो फॉर डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एच अपॉन del px minus del f upon del px del h upon del x plus del f upon del t so what is del f upon del x that is 1 minus del h upon del px del h upon del px px by सॉरी वन इंटू पी एक्स अपॉन एम माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एक्स ये क्या आ जाएगा माइनस टी अपॉन एम डेल एच अपॉन डेल एक्स इज जीरो बिकॉज इट इज फ्री पार्टिकल प्लस वॉट इज डेल एफ अपॉन डेल टी क्या है ये माइनस पी एक्स अपॉन एम ठीक है एंड नाउ यू कैन सी You have d f upon dt is equal to px upon m minus px upon m, that value is equal to what? 0. that value up 100% 0. Hai. Means f is actually constant. Now you can see even if this f is explicit function of time. इवन इफ ये एफ जो है वो क्या है एक्सप्रिसिट फंक्शन ऑफ टाइम है फिर भी एफ क्या हो रहा है आपका कंजर्व क्वानी क्लियर है ये तो ऐसा कोई भी आप जर्नलाइजन नहीं कर सकते टाइम का फंक्शन है या नहीं क्या है ये सारा चीज कहां से पता चलेगा यू हैव टू जस्ट सी वेदर द योर फिजिकल क्वान्टिटी इज बिहेविंग विदिल्टोनियन

ज ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एफ ये एफ है क्या और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है सो लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर एफ टे गो फॉर हैमिलियन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना एफ हमारा क्या था इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ एफ क्या था एक्स माइनस पी एक्स टी अपॉन एम ये हमारा एफ था सो लेटेस्ट गो फॉर हैमिलियन इक्वेशन ऑफ मोशन और उसे हम देखते हैं क्या होता है सो डेल एच अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डॉट है न And what is del h upon del x? 0 is equal to minus px dot, which implies px is equal to some constant. And let's say this constant is c1. Clear? Hamiltonian equation of motion. Then what will happen?

कैन इजली गो फॉर पी एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू नथिंग बट डीएक्स अपॉन डी टी क्लियर है आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई एम इंटू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट एग्रीट वट इज दिस कॉन्स्टेंट ये क्या है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये कॉन्स्टेंट क्या है अगर आप इस सी को कंपेयर करोगे जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज एक्स माइनस पी एक्स टी अपॉन एम एंड यू कैन कंपेयर दिस फिजिकल क्वांटिटी

So, आप टाइम का फंक्शन देख करके कुछ नहीं कह सकते हो जब तक आप इस इक्वेशन को नहीं कैलकुलेट करते हो एंड दिस इज अ वंडरफुल थिंग दिस इज वंडरफुल थिंग जिसको कि आप देखकर इजिली कैलकुलेट कर सकते हो एग्रीड ओके सो लेट्स गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम देखते हैं क्लियर है तो जब भी कंजर्वेशन आए कि फॉलोइंग ऑफ आउट ऑफ दिस फोर विच वन इज कंजर्व पहला क्या रहेगा सिस्टम का आप हेमल्टोनियन लिखो और फिर उसको पॉइजो ब्रैकेट से आप इजिली चेक कर सकते हो कि वो कंजर्व है या नहीं Clear है क्लियर है ना Now we have harmonic oscillator. ठीके? And Hamiltonian of harmonic oscillator is P square upon 2m plus half M omega square Q square. Let us assume a function and this is very complicated function. And this is function of Q, P and T. ज एज दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज एल एन पी इसको स्मॉल पी दे रहा हूं है ना एल एन पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू माइनस आई ओमेगा टी ठीक है ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है एल एन पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू माइनस आई ओमेगा टी दिस इज योर फंक्शन ओके आपका फंक्शन है और आपको यहां चेक करना है वेदर दिस यू इज कंजर्व और नॉट फॉर हार्मोनिक टाइम का फंक्शन है एग्रीट और हमें क्या चेक करना है कि वेदर दिस यू इज कंजर्व आर नॉट मीन्स आपको क्या चेक करना है यू हैव टू जस्ट चेक डी यू अपॉन डी टी And UH plus del U upon del T. UH plus del U upon del T. Agreed? Now we have to just go for del U upon del Q. Q is generalized coordinate. And then we have. डेल एच अपॉन डेल पी माइनस डेल यू अपॉन डेल पी डेल एच अपॉन डेल क्यू प्लस डेल यू अपॉन डेल टी नाओ डेल यू अपॉन डेल क्यू क्या हो जाएगा भाई वन अपॉन पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू और यहां क्या होगा आई एम ओमेगा ठीक है ना देखते रहना कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं डेल एच अपॉन डेल पी सो दिस वैल्यू इज पी अपॉन एम डेल यू अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा अपॉन ओमेगा क्यू और यही रहेगा है ना एंड डेल एच अपॉन डेल क्यू क्या आ जाएगा ये एम ओमेगा स्क्वायर एंड डेल यू अपॉन डेल्टी दैट इज माइनस ओमेगा, ठीक है इट लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना ये दिख रहा है ठीक है एक एम एक एम को आप यहां कैंसिल कर सकते हो ठीक है और देखते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं सो वॉट विल बी दिस वैल्यू जस्ट ये वाला वैल्यू क्या आ जा रहा है यू कैन टेक आई ओमेगा को कॉमन ले लें है ना सो वी कैन टेक आई ओमेगा कॉमन ले लें और पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू को कॉमन ले लें सो so यहाँ क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और आई नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा है ना सो दिस विल बी प्लस आई एम ओमेगा क्यू एक ओमेगा बाहर आ जाएगा एंड माइनस आई ओमेगा लुक एट दिस थिंग ये एक्चुअली कम्यूटेशन किसके बराबर है आई ओमेगा के ही बराबर है मोशन so अब ये क्या है क्या नहीं है ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है कुछ फेज के बारे में बात की जा रही है क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है फेज है सो so कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियल फेज जो है वो हमेशा कंजर्व होगा या फेज के बारे में बात की जा रही है कि किस चीज के बारे में आप इसको कैसे समझ सकते बट लिव द वो एक्चुअली क्या दिखाई देता है कई बार तो ऐसा है कि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है जिसको कि आपने कभी देखा नहीं होगा लेकिन वो कंजर्व होगा है नहीं उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो लेकिन मैथमेटिकली इट कैन कंजर्व फिर हम उसके बारे में बात करते यार ऐसा क्या हो सकता है तो हम उसे देखते हैं जिसका कि ब्यूटीफुल एग्जांपल है आपका पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स में न्यू न्यू सिमेट्री देखना शुरू कर देते हो है ना आइसोस्पिन, स्पिन अलग अलग तरह के चीजें देखना शुरू कर देते हो वो सारे एक तरह से सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है उन सबका सोर्स कहाँ है उन सबका सोर्स बॉयजो ब्रैकेट में सोर्स ऑफ बॉयजो ब्रैकेट ठीक है सो so इसके बाद

ओके क्लियर है ना सो नाउ वी हैव डीएफ अपॉन डीटी ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हर बार आपके एग्जाम में आता है है ना प्लस डेल्फ एफ अपॉन डेल्टी ठीक है डीएफ अपॉन डीटी एफएच डेल्फ डेल एफ अपॉन डेल्टी नाउ एज्यूम एफ इज योर एक्स क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन डीटी

प्लस डेल एक्स अपॉन टी अगर ये जीरो होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन इन जनरल में लिख रहा हूँ अगर ये जीरो होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो ये क्या होगा जीरो होगा ठीक है ओके नेक्स्ट वी विल गो फॉर एफ के जगह पर क्या पुट करो पी एक्स सो वॉट विल अपॉन डेल टी and this is nothing but what? px dot, ha, na? what is px dot? minus del h upon, so this is minus del h upon del x px h plus del px upon del t and what is minus del h upon del x is nothing but what? Force, to you saw जो अभी सिंपल पेंडलो में हमने देखा था डी पी एक्स अपन डी टी वो किसके बराबर आया था फोर्स जर्नलाइज फोर्स इज बेसिकली टॉर्क फॉर द एंगुलर पार्ट है ना so, आप देख रहे हो एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइज़ो ब्रैकेट है ना पॉइजो ब्रैकेट में हम इक्वेशन ऑफ

वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे क्लियर है एवरी वन ठीक है सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉइजो ब्रैकेट ऑब्वियसली ये सारे एक साथ कंक्लूडेड है पॉइजो ब्रैकेट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिंग फंक्शन ये एक साथ हमेशा हमें क्लब करना है ठीक है इन सब से कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में ठीक है सो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ फाइव मिनट देन वी विल गो फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है सो so, आज के लिए हम लोग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक पूरा करेंगे फिर आप लोग असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन करोगे आज के केनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के एंड देन टुमारो वी विल फिनिश जेनेटिक्स ठीक है